गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं जीएसटी आर 9 18-19 से रिलेटेड। जीएसटी पोर्टल पे एक बहुत बड़ा अपडेट जो है वो निकल के आ रहा है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, जुड़े रहिएगा इस वीडियो के एंड तक ताकि आपको भी जीएसटी आर 9 के अंदर जो ये नया अपडेट आया है वो अच्छी तरीके से समझ में आ सके। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ये आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, मैंने ओपन किया है जीएसटी पोर्टल। इसके अंदर हम लोग चलते हैं एनुअल रिटर्न और हम लोग चेक करेंगे जीएसटी आर 9 18-19 का किस तरीके से चेंज किया गया है। काफी लोगों का यह सवाल रहता है कि जीएसटी आर 9 का जो कॉलम नंबर 8 है उसका टेबल 8A वो ऑटो पॉपुलेट नहीं हो रहा है, तो क्या उसके बिना भी फाइलिंग हो सकती है? तो मैं आपको बता दूं, जब तक वो ऑटो पॉपुलेट नहीं होगा आप अपना जीएसटी आर 2A का डेटा जो है वो रिकंसिलेशन नहीं कर पाएंगे। तो अब जो है जीएसटी आर 9 के अंदर टेबल नंबर 8A का डेटा पॉपुलेट करवा दिया गया है पोर्टल के अंदर। और भी काफी सारे चेंजेस हैं, जैसे कि टेबल नंबर 4 में डेटा पहले मिसमैच हो रहा था वो भी अब करेक्ट कर दिया गया है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं मैंने ओपन करा है टेबल नंबर 8 ऑफ जीएसटी आर 9 फॉर 18-19। 18-19 का लास्ट डेट है 30 जून 2020 जो कि एक्सटेंड किया गया था। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं अदर आईटीसी रिलेटेड इंफॉर्मेशन के अंदर आईटीसी एज पर जीएसटी आर 2A जो कि ऑटोमेटिकली पॉपुलेट होता है उसके अंदर आप देखेंगे तो आईजीएसटी के हेड में 9,29,508.72 रुपए का फिगर्स जो है वो रिफ्लेक्ट हो रहा है। दैट मीन्स टेबल नंबर 8A जो कि रिफ्लेक्ट नहीं किया गया था उसको अपडेट कर दिया गया है अकॉर्डिंगली। अब आप अपनी फाइलिंग अगर करना चाहते हैं तो अब आप कर सकते हैं। अब यहाँ पे दो तीन चीजें हैं कि ये टेबल नंबर 8A जो है वो 17-18 के अंदर यहाँ पर जो फिगर आता है और जो कंपैरेटिव टूल दिया गया है पोर्टल में वहां से मिसमैच रहता है, तो क्या 18-19 में इसमें भी कुछ चेंजेस किया गया है या नहीं वो भी अभी हम लोग चेक करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखाऊं तो हमारा टेबल नंबर 9 जो है वो भी ऑटो पॉपुलेट हो रहा है प्रॉपरली एज पर जीएसटीआर 3B। अब देखिए जो जीएसटीआर 9 का टेबल नंबर 4 हुआ करता है जिसमें आउटवर्ड सप्लाई की डिटेल्स वो भी ऑटो पॉपुलेट की जाती है, पहले क्या हो रहा था यहाँ पे जो फिगर्स आ रही थी वो जीएसटीआर 1 के अकॉर्डिंगली मैच होनी चाहिए थी लेकिन नहीं हो रहा था। लेकिन अब मैं आपको अगर दिखाऊं तो ये फिगर्स भी जो है एज पर जीएसटीआर 9 अपडेट कर दिया गया है। कहने का मतलब है कि जो जीएसटीआर 1 के अंदर फिगर्स डाली गई थी जिसके हिसाब से ये टेबल नंबर 4 प्रिपेयर होना था वो अब एक्यूरेटली जो है हो रहा है। दैट मींस जीएसटीआर 9 18-19 की फाइलिंग के लिए अब पोर्टल की तरफ से रेडी कर दी गई है। तो यहां पर आपको अगर देखना है तो आप देख पाएंगे कि टेबल नंबर 4A 4B 4C 6B 6C ऑफ B2B इनवॉइसेस जो कि जीएसटीआर 1 के अंदर होता है यहां पर आप देखेंगे तो टोटल टैक्सेबल वैल्यू जो है 7,59,340 रुपए का फिगर दिखाया गया। सिमिलरली अगर आप यहां देखेंगे तो कॉलम नंबर बी में जो जीएसटी आर 9 का टेबल 4 कॉलम बी है वहां पे सेम अमाउंट दिखाया गया है। उसके बाद टैक्स अमाउंट जो है वो भी 2,12,615 रुपए का रिफ्लेक्ट हो रहा है। उसके बाद अगर आपको देखना है तो B2C इनवॉइसेस की जो डिटेल्स हैं 35,19,295 रुपए टैक्सेबल वैल्यू की सेम फिगर यहां पर भी दिखाया गया है। उसके बाद जो इंटीग्रेटेड टैक्स CGST और SGST का फिगर है अकॉर्डिंगली 836,459 और 74,471 का फिगर जो है वो रिफ्लेक्ट किया जा रहा है। और ये जो है रिवर्स चार्ज का फिगर ये बेसिकली लिया गया है GSTR 3B से। तो मैं आपको दिखा देता हूं ये फिगर्स भी क्योंकि काफी लोगों का यही सवाल आ रहा था कि हमारी GSTR 1 और GSTR 3B में जो फिगर्स हैं और वो डेटा जब GSTR 9 में ऑटो पॉपुलेट हो रहा है तो वो परफेक्टली नहीं जा रहा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जो इनवर्ड सप्लाईज रिवर्स चार्ज के अंदर दिया गया था 1,71,000 का वो भी अब ऑटोमेटिकली जो रिफ्लेक्ट हो रहा है बिल्कुल परफेक्टली और सही तरीके से हो रहा है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। तो टेबल नंबर 4 और टेबल नंबर 8 के अंदर जो गड़बड़ी थी वो डेटा पॉपुलेट जो है वो प्रॉपरली हो रहा है। अब उसके बाद तीसरा सवाल था
कि टेबल नंबर 6A जो हमने GSTR 3B के अंदर इनपुट टैक्स क्रेडिट का फिगर्स डाला था और वो टेबल नंबर 6A में आता है, उसके अंदर कोई चेंजेस है क्या? तो इसमें पहले भी कोई गड़बड़ नहीं थी, अभी भी कोई गड़बड़ नहीं है, आप आराम से जो है इसकी फाइलिंग आप कर पाएंगे अकॉर्डिंगली। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो एलिजिबल ITC 931,280 रुपए के हिसाब से यहाँ पर भी वही फिगर्स दिखाया गया है। तो टेबल नंबर 4, टेबल नंबर 6 और टेबल नंबर 8 के साथ साथ टेबल नंबर 9 के अंदर जहां जहां ऑटोमेटिक डेटा पॉपुलेशन होता है वो परफेक्टली हो रहा है आपकी फाइलिंग के लिए, अब दिक्कत नहीं आएगी। अब जो लास्ट में सवाल आता है कि जो टेबल नंबर 8 का कॉलम नंबर ए है उसमें जो फिगर आ रहा है एज पर GSTR 2A वो क्या पोर्टल से मैच कर रहा है? पोर्टल से मतलब जो हमारा कंपैरेटिव टूल है, जो हमारा ये GSTR 2A का डेटा है जिसके बेसिस पे ये कंपैरिजन ऑफ लायबिलिटी डिक्लेयर्ड एंड ITC क्लेम्ड वाला सेक्शन है उसके अंदर जो अमाउंट है वहां पे मैच हो रहा है या नहीं, तो इसके लिए आपको समझना बेहद जरूरी है। तो आप देखेंगे अगर तो ITC ऑटो पॉपुलेटेड इन GSTR 2A ड्यूरिंग द मंथ एज पर पार्ट ए एंड पार्ट बी, ये जो फिगर है यहाँ पे 669,615 रुपए 52 पैसे का दिखाया गया, जबकि GSTR 2A में जो फिगर है वो 900,000 का ही दिखाया गया है। दैट मीन्स आपको अभी भी जैसा कि 17-18 में बताया गया था इस फिगर के बेसिस पे आप रिकंसिलेशन नहीं कर सकते, आपको इंडिविजुअली हर एक इनवॉइस को ऑनलाइन GST पोर्टल पे जो GSTR 2A का डेटा आता है उसको रिकंसाइल करना होगा अपने परचेज रजिस्टर के साथ और उसके बाद ही आप अपनी GSTR 9 के अंदर फिगर्स जो है वो डाल सकेंगे। क्योंकि यहाँ पे जो फिगर्स आ रहा है टेबल 8A में जो डेटा रिफ्लेक्ट होता है और ऑनलाइन GSTR 2A में जो डेटा रिफ्लेक्ट होता है मैं आपको दिखाता हूँ, उसके अंदर काफी सारी वजहें हैं, काफी सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से डिफरेंस रहता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूं कि आपने कोई इनवॉइस का क्रेडिट लिया होगा इन रिस्पेक्ट ऑफ 1819 जो कि आपके सप्लायर ने उस इनवॉइस को विद इन ड्यू डेट अपलोड नहीं किया होगा तो वो ऑनलाइन GSTR 2A में तो दिखाएगा लेकिन आपके GSTR 9 के टेबल 8A में वो डेटा रिफ्लेक्ट नहीं होगा। सिमिलरली अगर आपके इनवॉइस के अंदर प्लेस ऑफ सप्लाई का मिसमैच रहेगा तो जब वो GSTR 1 अपलोड करेगा तो वो आपके GSTR 2A में तो रिफ्लेक्ट होगा लेकिन आपके GSTR 9 के टेबल नंबर 8A में रिफ्लेक्ट नहीं होगा। सपोज आपने कोई ऐसा परचेज किया है जो कि रिवर्स चार्ज के अंदर फॉल करता है और उस इनवॉइस को सप्लायर ने अपलोड करते समय प्रॉपरली वो रिवर्स चार्ज का है या फॉरवर्ड चार्ज का है उसका डिस्टिंग्विशन अगर नहीं दिया होगा तो वो आपके 2A में तो रिफ्लेक्ट होगा लेकिन GSTR 9 के टेबल नंबर 8A में जो है वो रिफ्लेक्ट नहीं होता है। तो ये कई सारे कारण हैं जिसकी वजह से GSTR 9 का टेबल 8A और GSTR 2A का जो डेटा है वो मिसमैच करता है। तो आप इसके लिए रिकंसिलेशन सेपरेट तरीके से बनाना होगा आपको, तभी आप अपनी फाइलिंग जो है वो अकॉर्डिंगली कर पाएंगे जैसा कि टेबल नंबर 8A के लिए 1718 में किया गया था। ये चीज आप समझ लीजिए कि GSTR 9 अब प्रिपेयर हो चुकी है फाइलिंग के लिए, आप अकॉर्डिंगली ये फाइल कर सकते हैं। अगर आपको किसी प्रकार की कोई क्वेरी है GSTR 9 के अंदर तो उसके लिए आप हमारी पेड मेंबरशिप की सर्विसेज ले सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट नंबर्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, आप उसमें भी संपर्क कर सकते हैं। क्वेरी पूछने के लिए आपको कॉन्टैक्ट अस का सेक्शन दिया गया है हमारी वेबसाइट पे, उस पे जाएंगे तो आपको अपनी डिटेल्स जो है वो यहाँ पर फीड करनी है और अपनी क्वेरी हमें सेंड कर देनी है। अगर आपको इंस्टेंटली कॉल पे डिटेल्स रिप्लाई चाहिए तो उसके लिए आपको हमारी पेड सर्विसेज या पेड मेंबरशिप जो है वो लेनी होगी, तभी आप हमसे बात कर पाएंगे और अपनी क्वेरीज जो है वो ओवर द कॉल डिस्कस कर सकते हैं। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं, आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा ताकि मैक्सिमम लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके कि GSTR 9 1819 का जो है GST पोर्टल पे अब अपडेट हो चुका है फाइलिंग के लिए। अगर आपने हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम ट्यून इन किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिए गए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को प्रेस कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक रेगुलरली पहुंचती रहे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।